अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स ट्रिक। आज की जो वीडियो वो रेशियो प्रोपोर्शन से मुतल्लिक है। अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन में रेशियो प्रोपोर्शन 7 चूज़ हो रहे हैं तो आप उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कि 12:x2 तो आपने फाइंड करना है वेरिएबल एक्स। तो आपने क्वेश्चन को एज इट ही लिख देना है। जो हमारे पास कॉर्नर्स वैल्यू मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है आपने उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके पास मीन वैल्यू होती है जो आपके पास सेंटर में होती है आपने उनको एक साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के एक साइड पे आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देना और एक साइड पर आपने मीन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर जो एक्स है वो हमारे पास मीन वैल्यू है, तो आपने एक्स क्रॉस एक्स लिख दिया, मतलब एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स से, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ उनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 24। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे तो दोनों साइड पे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ओवर की फॉर्म में है कि अगर हमारे पास 1/5 1/x 1/5 है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की। अब यहाँ पे भी सेम ही वही ट्रिक यूज़ करनी है कि हमारे पास आपने क्वेश्चन लिख दिया, आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है 1/5 और 1/5 है, और मीन वैल्यू जो आपके पास है वो है 1/x और 1/x। आपने 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन की एक साइड पर लिख दिया मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, और दूसरी साइड पर आपने लिख दिया एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/x² = 1/25। अब यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर को 1 से और 25 को भी 1 से। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x² = 25। उसके बाद आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेने से आपके पास आंसर आ जाएगा x = 25, और एक्स का स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा 5। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 144 2:3:11। ये आपके पास ट्रिक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक रेशियो गिवन है और आपने कहा उसे कहा गया है कि उसको डिवाइड करें 144, इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा कि एक्स आपने सबसे पहले फाइंड करना होता है स्टेप वन में। अब जब आपने एक्स फाइंड करना होता है तो ऊपर टोटल वैल्यू आती है और नीचे सम ऑफ रेशियो आता है। यहाँ पर टोटल वैल्यू 144 है और जो रेशियो है हमारे पास उनका सम आपने कर लेना है। सम किया, उसको सॉल्व किया तो आपके पास 9 आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9। अब सबसे पहले आपके पास जो रेशियो गिवन है 2:3:11, इन सबको आपने पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, 2x:3x:11x। अब यहाँ भी आपके पता है एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9। आपने यहाँ पे इस रेशियो में एक्स की वैल्यू पुट कर देनी 9, तीनों में जहाँ पे 2 × 9 आ जाएगा, 3 × 9 और 11 × 9 आ गया। आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास रेशियो आ गई 18:27:99। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 18, 27, 99 को ऐड करें तो आपके पास दोबारा 144 ही आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। अगर ये आपको ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और जिससे प्रीवियस वीडियो थी रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।